जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं सुबह उठते ही ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो हमें बोलने चाहिए। अगर हम वो दो शब्द बोलते हैं तो जिससे बिना पूजा पाठ के भी हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें। प्राचीन हिंदू धर्म और आध्यात्मिक परंपराओं में सुबह उठते ही सबसे पहले बोले गए शब्दों और विचारों का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह के पहले क्षणों में हमारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा अधिकतम संवेदनशील होती है और इस समय किए गए कार्य या बोले गए शब्द हमारे पूरे दिन को प्रभावित कर सकते हैं। दो ऐसे शक्तिशाली शब्द हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें सुबह उठते ही बोलने से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वे ये शब्द हैं धन्य और शिवाय। धन्य का अर्थ और महत्व। धन्य का शाब्दिक अर्थ है धन्यवाद या आभार। जब हम सुबह उठते ही आभार व्यक्त करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यह शब्द न केवल ईश्वर के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करता है बल्कि जीवन की हर छोटी से छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करने का भी संकेत देता है। आभार की भावना हमें हर व्यक्ति में संतुष्ट और खुशी में रहने में मदद करती है। जब हम अपने दिन की शुरुआत आभार के साथ करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि जो लोग नियमित रूप से आभार प्रकट करते हैं उनके जीवन में अधिक सफलता, शांति और संतुलन होता है। तो दूसरा शब्द है शिवाय। शिवाय का अर्थ और महत्व। शिवाय का शब्द भगवान शिव से है जो संहारक और सृजनकर्ता दोनों माने जाते हैं। शिवाय का उच्चारण सुबह उठते ही करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिवाय का अर्थ होता है कल्याणकारी और यह शब्द अपने आप में अपार शक्ति और सकारात्मक को समेटे हुए है। यह शब्द मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। भगवान शिव के त्रिदेवों में से एक माना जाता है और उनका आशीर्वाद व्यक्ति की समस्याओं को समाप्त कर देता है। शिवाय शब्द का उच्चारण करते ही व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शुरू हो जाता है। यह शब्द नकारात्मक शक्तियों और बुरी ऊर्जा को दूर भगाने का कार्य करता है। तो अब बात करते हैं सुबह इन शब्दों को बोलने का लाभ। जब आप सुबह उठते ही धन्य और शिवाय शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा पूरे दिन आपको सतक्ष और ऊर्जावान बनाए रखती है। नंबर टू, इन शब्दों का उच्चारण हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमारे उच्च आध्यात्मिक स्थिति की ओर ले जाता है। भगवान शिव की कृपा और आभार व्यक्त करने की शक्ति से हमें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। नंबर तीन, आभार और शिव की कृपा के साथ ही दिन की शुरुआत करने से हमारी इच्छा और मनोकामना जल्दी पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिक शक्ति हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। नंबर चार, तनाव और चिंता से मुक्ति। धन्य और शिवाय का उच्चारण सुबह के समय करने से मन की शांति बढ़ती है और तनाव और चिंता कम होती है। यह हमें दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। तो अब बात करते हैं आभार और शिव की शक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान में इस बात को मानते हैं कि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन का स्रोत होता है। इससे न केवल हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है बल्कि हमारी शारीरिक स्थिति पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो हमें खुशी और संतुष्टि महसूस कराता है।
इसी प्रकार भगवान शिव के नाम का उच्चारण हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमारे अंदर की नकारात्मकता को समाप्त करता है। शिव का नाम जपने से मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो हमें चिंता और भय से मुक्त करती है। तो अब बात करते हैं इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुबह के समय जब हमारा मस्तिष्क और आत्मा दोनों ही अत्यधिक संवेदनशील अवस्था में होते हैं, तब बोले गए शब्द हमारी ऊर्जा को सीधे प्रभावित करते हैं। धन्य और शिवाय जैसे शब्द हमारे भीतर की आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं और हमें सकारात्मक की ओर आग्रस्त करते हैं। जब आप शिवाय शब्द का उच्चारण करते हैं तो आप भगवान शिव से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने और सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रार्थना करते हैं। धन्य का उच्चारण जीवन की सभी प्राप्तियों के प्राप्ति आभार व्यक्त करता है, जिससे आपको जीवन में और अधिक सफलताएं प्राप्त होती हैं। नंबर 6, पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। धन्य और शिवाय के उच्चारण के लिए किसी विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। ये शब्द स्वयं ही इतना शक्तिशाली है कि सुबह उठते ही इसके सरल उच्चारण से आपके दिनचर्या और जीवन में सकारात्मक और शुभता का संचार हो सकता है। इन शब्दों का उच्चारण करना एक प्रकार का मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, जो बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के भी आपकी मनोकामना को पूरा कर सकता है। अब इसका निष्कर्ष हम आपको बताते हैं। सुबह के समय धन्य और शिवाय शब्द का उच्चारण एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक और आस्था के साथ कर सकते हैं। इन शब्दों के उच्चारण से आपके जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि आती है। इसलिए बिना किसी पूजा पाठ के भी यदि आप इन शब्दों को सुबह उठते ही उच्चारण करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और जीवन में सकारात्मक संचार भी होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे शेयर करा कि बिना पूजा पाठ के भी आप अपनी हर मनोकामना को कैसे पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।